नेक्स्ट सवाल है थर्ड नंबर, बड़ा ब्रैकेट में फिर छोटे क्वेश्चन माइनस फोर अपान सेवन प्लस वन अपान फोर बड़ा क्वेश्चन क्लोज प्लस ब्रैकेट में सेवन अपान सिक्सटीन इक्वल है माइनस फोर अपान सेवन प्लस ब्रैकेट में वन अपान फोर प्लस सेवन अपान सिक्सटीन। ओके आइए पहले सॉल्व करते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। माइनस फोर अपान सेवन प्लस वन अपान फोर। ओके इसको इसी में इसके बाद सात सौ अट्ठाईस अट्ठाईस फिर सात का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, सात का पहाड़ा ऐसा सात चौक अट्ठाईस चार चौक सोलह माइनस सोलह, चार का पहाड़ा ऐसा पढ़िए अट्ठाईस चार सत्य अट्ठाईस, सात का एक मुड़ा सात के नंबर सात, ठीक है सात बटा माइनस सोलह, तो सोलह में से सात जाएगा बचेगा माइनस नौ अट्ठाईस प्लस माइनस के माइनस सात बटा सोलह, ठीक है। सोलह और अट्ठाईस का अगर एलसीएम निकालेंगे तो आएगा एक सौ बारह, अट्ठाईस का पहाड़ा अट्ठाईस से डिवाइड करेंगे एक सौ बारह में तो आएगा चार, चार गुणे माइनस नौ, फिर माइनस सोलह का पहाड़ा इसे पढ़िए एक सौ बारह आ जाए सोलह पच्चीस सोलह सौ पचासी अस्सी सोलह सौ अठानवे सोलह सत्तर एक सौ बारह सात गुणे सात नौ चौका छत्तीस माइनस सात सत्तर उनचास बटा एक सौ बारह इक्वल हो जाएगा दोनों माइनस में जुड़ जाएगा नौ और छः पंद्रह पंद्रह पाँच हसी लगाए चार चार तीन सात एक आठ माइनस पचासी बटा एक सौ बारह। नेक्स्ट आइए इसका इसको सॉल्व करते हैं, माइनस चार बटा सात में ये भी छोड़ देते हैं प्लस ब्रैकेट तोड़ते हैं वन अपान फोर प्लस माइनस माइनस सेवन अपान सिक्सटीन, ठीक पहले इनको एलसीएम करते हैं इसका बड़ा ब्रैकेट जो है लगा रहता है, पहले अंदर वाला मामला खत्म करते हैं माइनस फोर अपान सेवन ब्रैकेट क्लोज प्लस इसका एलसीएम निकालेंगे आएगा सोलह, सोलह का सोलह डिवाइड करेंगे आएगा चार, चार एक नम चार सोलह के नम सोलह सोलह का सात करेंगे इक्वल माइनस सात चार बटा सात प्लस आएगा आपका सात में से चार निकलेंगे बचेगा तीन माइनस तीन बटा सोलह, अब ब्रैकेट तोड़ देते हैं इनका माइनस चार बटा सात माइनस तीन बटा सोलह, सात और सोलह का एलसीएम निकालेंगे आएगा एक सौ बारह, एक सौ बारह सात का पहाड़ा ऐसा पड़ेगा एक सौ बारह आ जाएगा तो सोलह सोलह गुणे माइनस चार, सोलह का पहाड़ा ऐसा पड़ेंगे एक सौ बारह बारह सोलह पच्चीस सोलह सोलह सत्तर एक सौ बारह सात गुणे तीन इक्वल हो जाएगा सोलह तीन बत्तीस अड़तालीस सोलह चौका चौंसठ माइनस चौंसठ सात इक्कीस बटा एक सौ सात इसको करेंगे आएगा आपका चार एक पाँच और छः दो आठ माइनस मैंने लिख लिया था एक सौ बारह मतलब दाया पक्ष बराबर दाया पक्ष इक्वल बाया पक्ष यही चीज आपको सत्यापित करना है। डियर स्टूडेंट मैंने आपको अभ्यास वन बी का पहला और दूसरा तीसरा बता दिया है दे दिया हूं, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी चीज प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा, मैं उसको फिर से आपको समझा दूंगा। ओके अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है समझने में तो मैं उसको फिर से अपलोड करूंगा या नए तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूंगा।
डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चौथा सवाल। यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं और ए प्लस बी इक्वल माइनस बटा 11, तो बी प्लस ए इक्वल क्या होता है? जैसे सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है, जैसे 3 और 2 इक्वल कितना होता है? 5 होता है, अपने मन से माना गया है। तो 2 प्लस 3 इक्वल कितना होता है? 5 ही होगा। मतलब कहने का मतलब है कि a प्लस बी इक्वल माइनस 15/11, तो b प्लस a इक्वल होगा माइनस 15/11। बस काम खत्म। पांचवा है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। चलिए, जैसे जो बॉक्स होता है उसको हम एक्स मानते हैं, एक्स मान के इसको छोड़ दीजिए, प्लस मान के माइनस 12/7 इक्वल माइनस 12/7 प्लस मान के माइनस 5/11। एक्स जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है उसको बराबर एक साइड रखते हैं, बाकी सारी संख्याओं को दूसरी साइड भेज देते हैं। तो माइनस 12/7, ये माइनस उधर जाकर प्लस 12/7 माइनस 5/11। ये प्लस से ये माइनस भी कट गया आपका, क्या एक्स इक्वल माइनस 5/11, मतलब इसमें कितना फिलअप होगा आपका? माइनस 5/11। माइनस ऊपर है या नीचे, कोई मतलब नहीं, माइनस ही होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है उसको पहले एक्स मानते हैं, ब्रैकेट हटा लेते हैं, माइनस 10 प्लस एक्स प्लस मैन के माइनस 7/12 इक्वल होगा माइनस 10 प्लस 5/6 प्लस मैन के माइनस 7/12। आइए एक्स को यहीं छोड़ते हैं, इक्वल माइनस 10, माइनस है, ये माइनस से बराबर के दूसरी साइड जाते हैं तो माइनस की जगह प्लस हो जाता है। दूसरी संख्या है माइनस 7/12, ये करते हैं माइनस उधर जाकर प्लस 7/12, 5/6 ये बचा हुआ है। एक्स इक्वल देख रहे हैं, उतना ही प्लस है, ये माइनस है, उतना ही प्लस, ये कट गया, ये कट गया, आपका बचा कितना? 5/6। ये आपका आंसर हो गया, यहाँ क्या बचा रहेगा? 5/6। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आपको समझने में कोई भी सवाल में प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा, मैं उसको फिर से समझा दिया करूंगा। डियर स्टूडेंट, अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।